दोस्तों आज की कहानी हॉन्टेड फ्लैट की है, जिसे सुनने के बाद आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि आप किसी को किराएदार रखें या ना रखें। तो दोस्तों स्टोरी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह सुबह मनीष की नींद खुली जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया तो किसी दीपक का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही दीपक ने कहा, मैंने पेपर में आपका ऐड देखा कि आपको किराएदार चाहिए, मैं और मेरा भाई फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दरअसल दीपक ने पेपर में ऐड देखकर फ़ोन किया था। मनीष ने बताया कि वो 6 महीने से रह रहा है यहाँ और मकान मालिक बाहर रहते हैं। उसी के ब्रोकर ने बाकी दोनों कमरों के लिए ऐड दिए हैं। कुछ दिन बाद दीपक अपने भाई को लेकर आया। फ्लैट अच्छा लगा तो ब्रोकर को पेमेंट भी करा दी और अपने भाई प्रतीक के साथ शिफ्ट हो गया अपने इस नए घर में। मनीष अपने काम में 2-3 दिन बहुत बिजी था, इसीलिए दोनों से ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाई। तो मनीष ने सोचा आज शाम जल्दी घर लौटा जाए। दीपक और प्रतीक की हंसने खेलने की आवाज़ 17वें माले के उनके फ्लैट की बालकनी से आ रही थी। बालकनी बिल्कुल कोने में थी और दरवाज़ा बंद कर दो तो बाहर की आवाज़ें करीब करीब ना के बराबर ही आती थी। मनीष बालकनी में पहुंचा तो आधा शहर आंखों के सामने जगमगाता हुआ दिखाई दिया। हाय हेलो हुई तो कुछ देर काम, पढ़ाई और ऑफिस और ज़िंदगी के बारे में बातें होती रहीं। जान पहचान से दोस्ती बनी। प्रतीक को याद आया कि उसका मोबाइल तो अंदर रह गया था। फ़ोन लेने अंदर गया तो दीपक ने देखा कि मनीष के पास ग्लास नहीं है, तो वो उसके लिए ग्लास लेने अंदर आया। और अंदर आते ही दोनों भाइयों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हंसने लगे कि मनीष डर जाएगा। उसको बंद रखते हैं जब तक घबरा कर रोने ना लगे। लेकिन मनीष ने तो शायद ध्यान ही नहीं दिया, कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। दीपक और प्रतीक ने दरवाज़ा खोला तो देखा बालकनी पूरी तरह से खाली पड़ी थी। दोनों ने तुरंत नीचे झाँक कर देखा, मनीष कहीं भी नहीं था। 17वें माले की बालकनी से कोई कहाँ गायब हो सकता है? आसमान निकल गया या ज़मीन खा गई? दोनों भाई मनीष और दीपक माथे पर हाथ रखे हुए बालकनी के दरवाजे को बंद करके जब अंदर ड्राइंग रूम में आए तो वहाँ का नज़ारा देखते ही वो पूरी तरह घबरा गए और पसीना पोंछते हुए एक दूसरे को देखते हुए बोले, मनीष तू यहाँ कैसे आया? तू तो अभी बालकनी में था। मनीष ने यह सवाल सुनकर हंसते हुए कहा, अरे कितनी पी ली है तुमने, ऑफिस से आया हूँ अभी, चलो यार मुझे भी पिलाओ। दीपक और प्रतीक का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। दोनों कुछ बोल नहीं पाए, सब फिर से बालकनी में गए और एक ड्रिंक बनाई और पीनी शुरू की। तो मनीष ने कहा, यार तुम लोग पीनी शुरू करो, मैं हाथ मुँह धोकर वापस आता हूँ। दीपक ठंडा पानी लेने पीछे पीछे आया और वापस मुड़ा तो देखा मनीष बालकनी के दरवाजे को बंद करके हल्के से हंस रहा था। दीपक ने उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम, प्रतीक तो बाहर ही खड़ा है। मनीष पीछे मुड़ा और डरावनी हंसी के साथ बोला, अभी जब तुम दोनों ने मुझे बंद कर दिया था तब तो बड़ी हंसी आ रही थी, अपना भाई बंद हुआ तो बहुत दिक्कत हो रही है। मनीष की बात सुनकर दीपक बिल्कुल बर्फ की तरह जम गया। दीपक हकला कर बोला कि तूने तो कहा था कि तू अभी ऑफिस से आया है। मनीष जोर से हंसा और उसने दीपक से कहा, अरे मजाक कर रहा था यार, तू तो डर ही गया, चल प्रतीक को बुला ले, अंदर ही बैठते हैं। प्रतीक को बालकनी से बुलाकर तीनों अंदर ही आ रहे थे जब पीछे से बालकनी का खुला दरवाज़ा अपने आप जोर की आवाज़ के साथ बंद हुआ और किसी के रोने की आवाज़ तीनों को साफ साफ सुनाई देने लगी। दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर झाँका तो दिल में घबराहट भरी थी, पता नहीं क्या दिखेगा। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही तीनों लोगों ने देखा बाहर कोई नहीं था। तीनों अंदर वापस आए, इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह मनीष जल्दी ऑफिस चला गया और शाम को लौटा तो दीपक और प्रतीक अपने कमरे में ही थे। मनीष फ्रेश होकर आया और कमरे के बाहर से ही बोला, अरे कभी तो कमरे से निकलो, तुम दोनों के अलावा भी लोग हैं दुनिया में। दोनों हंसे और वापस अपनी बातों में लग गए। मनीष नहा धोकर टीवी देखने बैठा कि सुकून से टीवी देखेगा और उसके बाद सो जाएगा। टीवी में कुछ
अच्छा नहीं दिख रहा था तो गाने ही चला कर बैठ गया। बैठे बैठे गाना सुनते सुनते अचानक टीवी पर आता गाना रुक गया और मनीष का सोफा जोर जोर से हिला। किसी ने सोफे को पीछे से घसीटा। मनीष हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, तुम दोनों भाई भी ना यार। अपनी बात मनीष पूरी नहीं कर पाया क्योंकि पीछे कोई नहीं था। टीवी पर गाने की आवाज़ वापस आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर प्रतीक और दीपक बाहर आए। प्रतीक ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू चिल्ला क्यों रहा था? मनीष ने जब बताया कि उसे लगा कि सोफे को पीछे जैसे उन लोगों ने खींचा है, तो प्रतीक ने कहा, यार हम तो तेरे सामने ही निकले हैं, कहीं इस घर में कोई गड़बड़ तो नहीं? मेरे ख्याल से तू सो जा, जागता रहेगा तो और परेशान होगा, कोई दिक्कत हो तो हमें आवाज़ दे देना। मनीष अपने कमरे में गया तो लैपटॉप निकालकर इंटरनेट सर्फ करने लगा। इंटरनेट पर ही उसने ऐसा वाक्य ढूंढा जहां लोगों ने अपनी आप बीती लिखी थी। वहां से पता चला कि किसी ने अपने बिस्तर के ऊपर दीवार पर अपने सर की तरफ से एक कील ठोकी थी, जिसके बाद से ऐसी दिक्कतें उसके साथ कभी नहीं हुई। मनीष ने तुरंत टूल बॉक्स निकाला और कील निकालकर लगा उसके सर के ऊपर दीवार में कील ठोकने। कील दीवार में ठोक के मनीष टूल बॉक्स रखकर बाथरूम में हाथ धोने गया और हाथ धोते धोते मनीष बाथरूम से बाहर आया तो उसने जो देखा, उसे देखते देखते मनीष का दिल किया कि एक कील अपने बदन में गाड़ कर देखे कि वो जाग रहा था या सो रहा था। उसके सामने दीवार में ठोकी हुई उसकी कील ज़मीन पर पड़ी थी और दीवार से पूरी की पूरी ईंट निकली हुई थी। मनीष किसी तस्वीर की तरह वहीं खड़ा हुआ देखता रहा। हैरानी इतनी थी कि हिलना तो दूर, पलके भी नहीं झपका पा रहा था। मनीष एक कदम आगे बढ़ा ही था जब पूरे कमरे में दीवार पर लगी हुई हर एक कील ज़मीन पर निकलकर गिरती जा रही थी। हर वो ईंट जिनमें कीलें लगी थी वो सारी भी एक एक करके गिरती जा रही थी। मनीष की चीखें पूरे फ्लैट में गूंज रही थी और यही चीखें सुन के प्रतीक और दीपक दौड़े दौड़े आए। एक कोने में मनीष घुटनों में मुंह डाल के बैठा हुआ था कि तभी दोनों ने उसे पकड़कर झकझोरा। मनीष किसी बच्चे की तरह रोता हुआ अपना देखा हुआ कुछ बताता उससे पहले ही सामने के नज़ारे ने उसे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि जिस फर्श पर सीमेंट ईंटें और कीले होनी चाहिए थी वो पूरा फर्श बिल्कुल साफ सुथरा था। एक धूल का जर्रा भी नहीं था किसी कोने में। प्रतीक ने मनीष को उठाया और दीपक को इशारा किया। दीपक ने भी उसे उठाया और दोनों उसे अपने कमरे में ले गए और कहा कि भाई आज रात तू यहीं सो जा, तू बहुत घबराया हुआ है और यहाँ तू सुरक्षित भी रहेगा। मनीष को भी उन दोनों के साथ अब थोड़ी हिम्मत बन गई थी। मनीष चुपचाप लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। सोते सोते इतनी गहरी नींद में मनीष को उलझन होने लगी और पंखा भी तेज चलते चलते अचानक धीमा होते होते रुक गया और चरमराने सा लगा। मनीष एकदम से उठा तो अंधेरे में उसके माथे से कुछ टकराया। कमरे के बाहर से आती हल्की रोशनी में मनीष ने जो देखा, उसे देखकर एक बार फिर मनीष की चीख हलक में ही अटकी रह गई। पंखे से एक लाश लटक रही थी जिसके पैरों से मनीष का सर टकराया था। मनीष ने आंखें मलकर वापस देखा तो लाश वहाँ नहीं थी। मनीष उठकर पानी पीने गया और पानी पीते पीते ही उसने एक आवाज़ सुनी। पता नहीं इस बार क्या दिखेगा, यही सोचता सोचता मनीष किचन में गया तो आज पहली बार सामने कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे डर नहीं लगा बल्कि राहत मिली। सामने प्रतीक था तो मनीष को देखकर उसने पूछा तो मनीष ने उसे पंखे से लटकती लाश के बारे में बताया। प्रतीक भी समझ ही रहा था कि इतनी देर से इतना कुछ हो रहा था तो मनीष का हाल ऐसा होना ही था। उसने एकदम से बोला, चल मनीष बालकनी में एक सुट्टा मार के आते हैं। दोनों बालकनी में गए और मनीष ने एक सिगरेट जलाकर एक कशी मारा था जब प्रतीक ने अचानक मनीष को गर्दन से पकड़ा और बालकनी के बाहर हवा से ऐसा लटका दिया जैसे कोई मोम का पुतला था मनीष। चीखता चिल्लाता मनीष अब आखिरकार जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था।
जब कहीं से जिंदगी का मसीहा बन के दीपक आया और बालकनी से लटकते हुए मनीष को किसी तरह खींचकर ऊपर लाया। दीपक ने हाफते हुए मनीष से कहा, भाई तू पागल हो गया क्या? यहां से लटक के मरना है क्या? इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? मनीष उल्टा गुस्से में उसी पर चिल्लाया कि पागल मैं नहीं हूं, पागल तेरा भाई प्रतीक है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, तेरा भाई ये सब कर रहा है। दीपक इस बात पर बुरी तरह गुस्से से बोला, साले तू पागल ही हो गया है, वो देख प्रतीक सो रहा है वहां पे। एक बार फिर से चौंकने की बारी मनीष की ही थी, क्योंकि प्रतीक गहरी नींद में कमरे में सो रहा था। मनीष चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया और अंदर से कमरा बंद कर लिया। दीपक ने भी जब देखा कि मनीष किसी भी कमरे में सोए, दिक्कतें कहीं भी हो सकती हैं, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। मनीष जब अपने कमरे में जाकर लेटा तो नज़र दीवार पर उसकी लगाई हुई कील पर गई। अभी तक हुए इतने सब हादसों से मनीष जैसे खुद ही परेशान हो गया था। मनीमन उसने खुद से कहा, जब से ये कील ठोकी है तभी से दिक्कतें शुरू हुई हैं, अभी निकाल कर बाहर करता हूँ इसे। मनीष ने प्लास निकाला और कील निकालने को जैसे ही आगे बढ़ा तो एक आवाज पूरे कमरे में गूंजी, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो इसे। मनीष समझ गया था कि ये जो भी है वो नहीं चाहता कि ये कील दीवार में लगी रहे। मनीष लगा कील को खींचकर दीवार से बाहर निकालने की कोशिश में, पूरी ताकत से कोशिश करने पर भी वो कील टस से मस नहीं हुई और कील निकालने की इसी कोशिश में वो आवाज और बढ़ती गई, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। मनीष को गुस्सा आया और कील निकालने के लिए एक के बाद एक हथौड़ी से मारता गया, लेकिन वो कील नहीं निकली। मनीष थक हार कर नीचे बैठ गया और बैठे बैठे उसे अचानक कुछ शक हुआ, तो मनीष ने लैपटॉप ऑन किया और इंटरनेट पर झांकना शुरू किया। जैसे ही उसने दीपक और प्रतीक एक साथ लिखकर सर्च किया, उसकी आंखें कुछ पढ़ के फटी की फटी रह गईं। अब मनीष को सब समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दीपक और प्रतीक भाई तो थे, लेकिन प्रतीक 4 साल पहले मर चुका था। मनीष सारी बातें अपने लैपटॉप पर पढ़ ही रहा था जब उसे अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। इससे पहले कि मनीष पलट कर देखता कि उसके पीछे कौन है, उससे पहले ही मनीष आज भी पुलिस फाइल्स में लापता है। पुलिस के मुताबिक उस फ्लैट में बस 2 लड़के रहते थे, दीपक और मनीष। दीपक के खिलाफ कोई सबूत कहीं नहीं मिला और आज शहर के किसी दूर ठाकुर साहब ने अपने एक फ्लैट किराए पे देने का एड पेपर में दिया, तो उनके पास एक फोन आया, मैं और मेरा भाई आपका ये फ्लैट किराए पर लेना चाहते हैं, तो कब देखने आए आपका ये फ्लैट? दोस्तों आज की कहानी में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।